गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी मैथ की क्लास है और आज हम पढ़ने वाले शेप्स के बारे में। किसके बारे में? शेप्स। शेप्स क्या होती है? हमारी आकृति होती है, तरह तरह के जो हमारी आकृति होती है उन्हीं को हम शेप्स बोलते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ बेसिक शेप्स ड्रॉ की हुई है जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ उनके बारे में। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो मेरी शेप है वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल शेप कैसी होती है? इसे तीन साइड होते हैं, इसके थ्री साइड्स, 1, 2, 3। ठीक है, अब मैं इसके बारे में कुछ आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए। आर ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, देखिए है ना, तीन साइड्स, ये 1, 2 और ये 3। तो कितने साइड्स हैं इसके? थ्री साइड्स। द साइड्स कैन बी ऑफ द सेम, और इसके तीनों साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, तीनों साइड इक्वल होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। लेंथ ऑफ डिफरेंट लेंथ। ट्राइंगल हैज थ्री पॉइंटेड कॉर्नर्स, और जो ट्राइंगल होते हैं इसके तीन पॉइंटेड कॉर्नर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? तीन कॉर्नर्स होते हैं। ये वाला कॉर्नर है इसका 1, 2 और ये 3। ये इसके क्या है? कॉर्नर है। क्या है? इसके कॉर्नर है। तो ये क्या थी? हमारी ट्राइंगल शेप थी। इसमें क्या होते हैं? थ्री साइड्स होती हैं और थ्री साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। ट्राइंगल ये तिकोनी शेप होती है, इसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्क्वेयर पर। किस पर आते हैं? हम स्क्वेयर पर। ट्राइंगल के लेकिन आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने ट्राइंगल, तो ये क्या होते हैं? बर्थडे कैप जो आपकी होती है वो किस में होती है? इसकी शेप क्या होती है? ट्राइंगल होती है। बर्थडे कैप की शेप क्या है? ट्राइंगल है। और देखिए आपके और भी है इसमें, ट्राइंगल में है, बर्थडे कैप आ गई है ना, ये बर्थडे पे पहनते हैं हम लोग, ये ट्राइंगल में है। उसके बाद आता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? अब देखिए स्क्वायर में साइड्स होती हैं 4। कितनी साइड्स होती हैं? अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स, देखिए 1, 2, 3, 4। स्क्वायर हैज 4 साइड्स, और इसकी जो 4 साइड्स हैं वो चारों के साइड, चारों साइड्स क्या हैं? इक्वल है बिल्कुल। इसको हम हिंदी में वर्ग भी बोलते हैं, वर्गाकार शेप जो होती है हमारी वो भी बोलते हैं। इसमें 4 साइड्स होती है और 4 साइड्स इसकी इक्वल है। और इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है, जैसे इसके एग्जाम्पल में आप कोई भी जो चकोर चीज़ है जिसके 4 साइड्स इक्वल है उसके एग्जाम्पल में आप वो दे सकते हैं। और इसके बाद हम आती है तीसरी शेप जो हमारी रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होती है हमारी आयत शेप जो होती है उसको बोलते हैं। रेक्टेंगल में क्या होती है? जो इसके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, यानी ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है। इसमें भी 4 साइड्स होती हैं, 1, 2, 3, 4, 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 इसमें कॉर्नर्स है। लेकिन जो इसकी आमने सामने की साइड है वो साइड इक्वल होंगी, जैसे ये और ये साइड इसकी क्या है? इक्वल है। अब जो आता है हमारा सर्कल, सर्कल में हमारी कोई साइड नहीं होती क्योंकि ये क्या होता है? एक गोला होता है। क्या होता है? एक गोला होता है। सर्कल हैज़ नो साइड्स और नो कॉर्नर्स, इसमें कोई कॉर्नर भी नहीं होता। ये हमारा क्या होता है? सर्कल होता है। सर्कल में आप जैसे मम्मा रोटी बनाती हैं, क्लॉक है, वो सारे क्या है? इसके एग्जाम्पल है, सर्कल के एग्जाम्पल है। उसके बाद लास्ट शेप जो हम करने वाले हैं, लास्ट शेप है हमारी ओवल। ओवल क्या है? दिस इज एन ओवल शेप। और इसमें भी क्या है? ओवल शेप में भी क्या होता है? कोई भी ना तो इसमें कॉर्नर है ना ही साइड है। देखिए कोई भी कॉर्नर इसमें नहीं है और ना ही कोई साइड है, ये हमारी ओवल शेप है। ठीक है, तो ये क्या थे? ये आपका काम था। और इसके बाद आप क्या करेंगे, जो मैंने क्लास ये ट्राइंगल शेप जो दी है, इस ट्राइंगल शेप में आप इसके एग्जाम्पल्स जो भी इससे रिलेटेड पिक्चर्स होंगी वो आप पेस्ट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्वायर शेप में जो भी उसकी पिक्चर्स है उससे रिलेटेड यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगल में भी जो भी आपको थिंग्स देखते हैं ये रिलेटेड पिक्चर्स है वो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह हम सर्कल में भी क्या कर सकते हैं, जो इससे रिलेटेड पिक्चर है वो उसको यहाँ ड्रॉ कर लेंगे या पेस्ट कर लेंगे, और ओवल में भी। तो ये आपका होमवर्क भी हो जाएगा। आगे यूकेजी, अभी हमने क्या पढ़ा है? बेसिक शेप्स के बारे में जाना था, मैंने बोर्ड पे आपको कराई थी। ये क्या है? शेप्स क्या है हमारी? यहाँ पे कुछ शेप्स दे रखी है हमें, तो इन्हीं को आपने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा है। इनके बारे में कौन से शेप में कितने साइड्स होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, हर शेप के बारे में आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए
और यूके जी आपका काम है ब्लैक बोर्ड पे, एक बार आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे सर्कल है तो सर्कल के हमें क्या है, दो पिक्चर्स या तो आप पेस्ट करोगे या ड्रॉ करोगे। इसी तरह स्क्वायर की भी आप दो पिक्चर्स या तो पेस्ट करोगे या ड्रॉ करोगे। ट्राइंगल शेप में भी आप दो पिक्चर्स या तो ड्रॉ कर सकते हो या पेस्ट कर सकते हो। ट्राइंगल के भी दो एग्जाम्पल आप शो करने के लिए क्या कर सकते हो, दो पिक्चर्स या तो पेस्ट करोगे या ड्रॉ करोगे। ओवल शेप का भी इसी तरीके से आप दो पिक्चर्स या तो पेस्ट करोगे या ड्रॉ करोगे। लास्ट में एक है आपके स्टार शेप। स्टार शेप क्या होती है, जो तारों की शेप होती है, ऐसे करके इस पिक्चर इस शेप को भी आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे कॉपी में, और इसके दो एग्जाम्पल्स सामने ही आप या तो पेस्ट करोगे या ड्रॉ करोगे। जैसे स्टार फिश इसका एग्जाम्पल है, और ये क्या है, मैजिक वॉन्ड, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, आपकी शेप्स थी। और एक काम होमवर्क में आपको और एक होमवर्क में आपको और देने जा रही हूँ। अब ये है कलर द ब्राउन, किसमें, जो हमारा रेक्टेंगल है उसमें ब्राउन होगा। रेड कलर किसमें, हमारा सर्कल में है। ग्रीन कलर हमारा ट्राइंगल में है, और ब्लू कलर हमारा स्क्वायर में। तो यहाँ देखिए आपको एक पिक्चर शो की हुई है, इसमें ये रेक्टेंगल में कौन सा है, ब्राउन कलर है, और हमारा ये ट्राइंगल में कौन सा है, ग्रीन कलर है, और सर्कल में हमारा रेड कलर है, और स्क्वायर जो है वहाँ पे हमारा क्या है, ब्लू कलर है। तो ये आपका होमवर्क है यूके जी, नीट एंड क्लीन। मैं आपको फोटो क्लिक करके भेजूंगी, नीट एंड क्लीन कॉपी में करेंगे, मैथ की कॉपी में पीडीएफ बना के मैं सेंड करेंगे। बाय बेटा, टेक केयर।